नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। किसान आंदोलन का आज 28वां दिन है। देश में किसानों के मसीहा कहे जाने वाले किसान नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आज जयंती भी है, जिसे किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि देश में किसानों की आवाज को चौधरी चरण सिंह न सिर्फ उठाते थे बल्कि किसानों के हित में उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए हैं। आज उन्हीं की याद में किसान दिवस मनाया जा रहा है। वहीं देश के किसान बड़ी संख्या में दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो 3 किसान कानून बनाए गए हैं उन्हें रद्द किया जाए। किसान भूख हड़ताल पर भी है और आगे सरकार को कैसे घेरना है उसके लिए रणनीति भी बनाई जा रही है, लेकिन किसान और सरकार के बीच रस्साकसी चल रही है। करीब 1 महीना हो चुका है, अभी तक समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कृषि कानूनों को वापस लेने की अपील लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। आज किसान दिवस है, इस खास दिन भी किसान भूख हड़ताल पर भी हैं और आगे की रणनीति भी बना रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर लगातार प्रदर्शन जारी है। किसानों के आंदोलन को आज 28 दिन हो गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से किसानों को बातचीत के लिए बुलाया गया है, लेकिन किसान यूनियनों की तरफ से अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। आज किसान दिवस पर किसानों ने अपना आंदोलन और तेज करने की बात कही है। इसके लिए आज किसान एक समय का खाना नहीं खाएंगे। इसके साथ ही आने वाले दिनों में हरियाणा के टोल प्लाजा को फ्री किया जाएगा। प्रधानमंत्री के मन की बात के इस समय पर किसानों ने लोगों से ताली और थाली बजाने की भी अपील की है और किसान दिवस के दिन किसानों ने हवन भी किया, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार गोल गोल घुमा रही। सरकार जब चाहेगी, जहां चाहेगी, स्थान दिन समय सरकार बताएगी, हम तैयार हैं। सरकार नहीं बता रही, सरकार गोल 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 घुमा रही। बदलते जाइए, स्थान बदलते जाइए। जलेबी का कहीं आपको मोड़ दिखता है तो जलेबी की तरह गोल गोल घुमा रही सरकार। वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसान दिवस पर चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए आंदोलनकारी किसानों को आश्वासन दिया है और उनसे आंदोलन वापस लेने की अपील की। रक्षा मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा कि चौधरी चरण सिंह चाहते थे कि देश के किसानों की आमदनी बढ़े, उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य मिले और किसानों का मान सम्मान सुरक्षित रहे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी प्रेरणा से ही किसानों के हित में अनेक कदम उठा रहे हैं। किसानों का वे किसी भी सूरत में अहित नहीं होने देंगे। आज किसान दिवस के अवसर पर मैं देश के सभी अन्नदाताओं का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने देश को खाद्य सुरक्षा का कवच प्रदान किया है। कृषि कानूनों को लेकर कुछ किसान आंदोलनरत हैं। सरकार उनसे पूरी संवेदनशीलता के साथ बात कर रही है। मैं आशा करता हूं कि वो जल्द ही अपने आंदोलन को वापस लेंगे। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किसान दिवस पर एक कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने अपना इरादा साफ कर दिया कि बिचौलियों का काम खत्म करने के लिए कुछ भी करना पड़ा तो किया जाएगा। और यही नहीं भाइयों बहनों, आवश्यकता पड़ी कि किसान के जीवन में और भी परिवर्तन करने हैं, उसे किसी भी प्रकार के बिचौलिए से, साहूकारों से मुक्ति मिल सके, इसके लिए भी जब उसे सुविधा उपलब्ध करानी थी तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों को देने में प्रधानमंत्री जी ने कोई संकोच नहीं किया। आप जानते हैं किसान सम्मान निधि में एक बार में यानी साल में 6,000 रुपए हर किसान के खाते में देने की व्यवस्था। लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर हरियाणा में सख्त नजर आए। अंबाला में निकाय चुनाव के लिए प्रचार करने जब सीएम मनोहर लाल खट्टर पहुंचे तो किसानों ने इतने जोरदार तरीके से विरोध किया कि सीएम को वापस लौटना पड़ा। अंबाला में पुलिस को काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। प्रदर्शनकारियों के साथ धक्का मुक्की हुई, तब जाकर कहीं सीएम के काफिले को सुरक्षित वहां से वापस भेजा गया।
विरोध और समर्थन का सिलसिला जारी है। सरकार और किसानों के बीच रस्साकसी चल रही है, लेकिन दोनों तरफ से ही ढिलाई सी नजर आ रही है। सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही, तो वहीं आंदोलनकारी किसान संगठनों के नेता भी शायद इस आंदोलन को तब तक खत्म करने के मूड में नहीं जब तक ये तीनों किसान कानून रद्द नहीं किए जाते जिनका वो विरोध कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ANB न्यूज। तीन ऐसे कृषि कानून जो हाल ही में सरकार की तरफ से पास किए गए, उनका विरोध लगातार जारी है। और अब दिल्ली में 28 दिन हो गए हैं, करीब करीब एक महीना हो चुका है, किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से बातचीत की जो बात है वो भी सामने आ रही है। सरकार ये कह रही है बार बार कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, सभी मांगों को भी मान लिया गया है, लेकिन पूरी तरह से बातें नहीं मानी गई हैं किसानों की। इसीलिए किसान खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं और सरकार पर बातचीत का दिखावा करने का आरोप भी लगा रहे हैं, छल करने का आरोप लगा रहे हैं, गोलमोल जो है बातें करने का आरोप सरकार पर लगाया जा रहा है किसानों की तरफ से। लेकिन ऐसे में आज क्योंकि किसान दिवस है और किसान नेता के रूप में भी जाने जाते रहे हैं राजनाथ सिंह, अब रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी जो है वो देश में निभा रहे हैं, ऐसे में उन्होंने एक बार फिर से आंदोलनकारी किसानों से अपील की है कि वो आंदोलन को वापस ले लें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया है वो किसानों के हित में लिया है और अहित बिल्कुल भी नहीं होने दिया जाएगा, इस तरीके का आश्वासन उन्होंने दिया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौधरी चरण सिंह को जरूर याद किया है, लेकिन आंदोलनकारी किसानों के बारे में आज कुछ नहीं लिखा। और इसके अलावा जिस तरीके से लगातार किसानों का ये आंदोलन चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, और किसानों को निमंत्रण हालांकि सरकार की तरफ से मिल चुका है, लेकिन उसमें कोई समय निर्धारित नहीं किया गया, जगह भी निर्धारित नहीं की गई, तो ऐसे में किसानों की तरफ से लगातार मंथन का दौर जो है वो चल रहा है। और अगर बात हरियाणा की जाए, क्योंकि हरियाणा में ख़ास तौर पर पंजाब और हरियाणा में अगर देखा जाए तो इन कानूनों का विरोध बड़े रूप में देखने को मिला है। और अंबाला में निकाय चुनाव के प्रचार के लिए CM मनोहर लाल खट्टर पहुँचे थे, लेकिन उनको वहां से वापस जाना पड़ा क्योंकि भारी संख्या में किसान एकजुट रहे और काले झंडे उन्हें दिखाए। इसके अलावा उनके काफिले को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन कड़ी मशक्कत करनी पड़ी यहां पर पुलिस को उन्हें वापस भेजने के लिए, सुरक्षित किसानों के बीच से निकालने के लिए, और यहां पर प्रचार भी CM मनोहर लाल नहीं कर पाए। लेकिन दिल्ली में लगातार किसान डटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार पर आरोप भी लगा रहे हैं कि सरकार बातचीत का दिखावा कर रही है, सरकार बात को मान नहीं रही है, सरकार जो भी तीन जो कानून लेकर के आई है वो काले कानून है, इस तरीके की बातें किसानों की तरफ से कही जा रही हैं और आंदोलन को और भी ज़्यादा तेज करने की अपील की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जो किसान अपने घरों पर हैं, अपने गाँव में हैं, अपने शहर में हैं, वो भी दिल्ली की तरफ आएँ ताकि जो आंदोलन किया जा रहा है किसानों का वो और भी ज़्यादा मजबूत हो सके और सरकार पर दबाव बने। इसके अलावा अगर बात की जाए, भूख हड़ताल सरकार की तरफ से की जा रही है और यह आह्वान आज भी किया गया था कि किसान दिवस के दिन एक वक्त का खाना सभी त्याग दें ताकि किसान आंदोलन को और ज़्यादा बल मिल सके, मजबूत हो सके और सरकार पर दबाव बनाया जा सके, सरकार को इस बात का एहसास हो कि हाँ किसानों को समर्थन आम लोगों की तरफ से मिल रहा है। लेकिन लगातार अगर बात की जाए, जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह जो किसान नेता के रूप में, एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, उनकी जो प्रसिद्धि थी वो न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी थी, किसानों की आवाज़ उठाने के लिए वो कोई भी पद त्याग देते थे, ऐसा उन्होंने किया भी है कई बार, तो ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें आज याद करते हुए वो सभी बातें जो हैं लिखी हैं जो वो चाहते थे, किस तरीके से किसानों की आमदनी बढ़े, किस तरीके से किसान खुशहाल हो, गांव के लोग खुशहाल हो, क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने ही नाबार्ड की स्थापना की थी जो कि नेशनल बैंक है, गांव के लिए, खेती बाड़ी के लिए, जो कि जो ग्रामीण विकास है उसमें काफी अहम भूमिका जो है निभा रहा है। और तो ऐसे में चौधरी चरण सिंह ने जो काम किए, जो उनकी इच्छाएं थी उनको पूरा करने की बात केंद्र की मोदी सरकार अब कर रही है, लेकिन किसान इसके खिलाफ हैं। किसान ये कह रहे हैं कि जो कानून बनाए गए हैं वो कॉरपोरेट घरानों के लिए हैं, सरकार ये कह रही है कि चौधरी चरण सिंह का जो सपना था उसको पूरा करने के लिए सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। अब ऐसे में
संघर्ष जो है वो और भी ज्यादा तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसान भी झुकने को तैयार नहीं, अपनी मांगों पर अड़े हैं कि जो कानून हमने मांगे ही नहीं वो हमें क्यों थोप दिए गए, उनको वापस लिया जाए। वहीं सरकार ये कह रही है कि ये कृषि सुधार कानून है, इससे किसानों का फायदा होगा, लेकिन सरकार भी इन कानूनों को फिलहाल रद्द करने के मूड में नहीं है बिल्कुल भी। ये कहा जा रहा है कि इन कानूनों को समर्थन भी मिल रहा है, अलग अलग संगठन इस तरीके के कानूनों के लिए पहले बातें करते थे, ऐसे सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, और जो संगठन सरकार से मिल रहे हैं उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि 20 सालों से इन कानूनों पर मंथन चल रहा था, विचार विमर्श चल रहा था, और अब जाकर ये कानून जो है वह पास हुए हैं। कानून पास होने के बाद विपक्ष के कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसानों को गुमराह किया। इस पर किसान अपनी नाराजगी जता चुके हैं, नाराजगी जाहिर कर चुके हैं, केंद्र सरकार को पत्र लिख चुके हैं, पीएम मोदी और कृषि मंत्री को पत्र लिखा जा चुका है कि ये किसी भी राजनीतिक दल से प्रेरित कोई आंदोलन नहीं है, बल्कि इस आंदोलन को किसान खुद बढ़ा रहे हैं, और किसानों ने ही राजनीतिक दलों की उनके दृष्टिकोण को बदला और उनको मजबूर किया किसानों के समर्थन में आने के लिए। वहीं बीजेपी के भी कुछ नेता ऐसे हैं जो किसान कानूनों के विरोध में हैं और खुलकर सामने भी आ चुके हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो दबे सुर में इन कानूनों को विरोध करते हुए नजर आते हैं, लेकिन मोदी सरकार का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में आप जो संघर्ष है वो लगातार बढ़ रहा है एक एक दिन करके। इस बीच काफ़ी ठंड भी देखने को मिली, दिल्ली में 4 से भी कम डिग्री सेल्सियस तक तापमान जो है वो गिरा, और ऐसे में किसान डगमगाए नहीं, लगातार डटे हुए हैं। किसानों की तरफ से अब भूख हड़ताल भी की जा रही है, सिलसिलेवार तरीके से 11-11 किसान वहां पर बैठते हैं भूख हड़ताल पर, और लगातार इस तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हरियाणा में ये ऐलान किया गया है कि टोल फ्री किए जाएंगे, 26, 27, 28 के दिन टोल फ्री हरियाणा में रहेगा, और इसके अलावा जो दूसरे देशों में भारतीय लोग जो रहते हैं, भारतीय नागरिक जो रहते हैं और किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, किसान कानूनों के विरोध में हैं, वो वहाँ पर भी अपना विरोध जो है वो जताएंगे भारतीय दूतावास के बाहर, और मेमोरेंडम वहाँ पर भी सौंपा जाएगा। ये जो आंदोलन है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन भारत सरकार बिल्कुल भी किसानों के आगे पूरी तरह से झुकने को तैयार नहीं है। हालांकि लगातार बातचीत की बात कही जा रही है, लेकिन किसान अब उसे दिखावा करार दे रहे हैं। किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रही है, किसान कानूनों को लेकर के घमासान मचा हुआ है, और जिस तरीके से आज किसान दिवस पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, विपक्ष की तरफ से भी चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी जा रही है, और केंद्र सरकार पर हमला बोला जा रहा है, जिस तरीके से केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनका विरोध किया जा रहा है, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं वो किसानों के हित में नहीं बल्कि कुछ चंद कॉरपोरेट घरानों के हित में हैं, और इसीलिए उन कानूनों को लागू रखने की बात बार बार केंद्र सरकार कर रही है, इसीलिए उन कानूनों को रद्द नहीं किया जा रहा। वहीं सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि बिचौलिए जो ठग लेते थे पहले किसानों को, अब उनको बिल्कुल भी अवसर नहीं दिया जाएगा किसानों को ठगने का, उनको पूरी तरह से ख़त्म करना है, बिचौलियों के खिलाफ सरकार की लड़ाई है, ऐसा सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन को समर्थन मिल रहा है, अलग अलग राज्यों से अगर बात की जाए तो किसान जो हैं वो पहुंच रहे हैं दिल्ली और किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा किसान ही नहीं बल्कि अन्य वर्ग भी किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कई जगहों पर नजर आ रहे हैं, और इतना ही नहीं विरोध प्रदर्शन जो किया जा रहा है वो काफ़ी जोरदार कई जगहों पर किया जा रहा है। जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, ये कल की तस्वीरें हैं जब निकाय चुनाव को लेकर के प्रचार करने के लिए सीएम मनोहर लाल खट्टर अंबाला पहुंचे तो उनका किस तरीके से विरोध किया गया, ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। उन्हें वापस वहां से जाना पड़ा, उनको चुनाव प्रचार नहीं करने दिया गया।
किसानों के मसले पर चर्चा करेंगे। अवधेश कुमार भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ जुड़ गए हैं और मटरू नागर किसान नेता हैं, वो भी मेरे साथ फिलहाल इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। मटरू जी, मेरा सवाल आपसे, क्योंकि किसान आंदोलन लगातार जारी है, 28 दिन हो गए हैं और अभी तक कोई भी समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उधर केंद्र सरकार की तरफ से एक बार फिर से निमंत्रण भेजा गया है और ये कहा गया है कि किसान जो है, जो आंदोलन कर रहे हैं, वो तय करें तारीख और जगह, कब बैठक होनी है, कहां बैठक होनी है। इस पर अभी तक क्या कुछ मंथन चल रहा है, क्या कुछ फैसला किसान नेता लेते हुए दिखाई दे रहे हैं? देश कुमार जी, मेरा सवाल आपसे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है और आज चौधरी चरण सिंह की जयंती भी है जिसे किसान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, किसानों ने धरना स्थल पर ही हवन भी किया है, उन्हें नमन किया है और ऐसे में लगातार ये आरोप सरकार पर लगाया जा रहा है कि सरकार गोलमोल जवाब दे रही है, गोलमोल इस मुद्दे को घुमा रही है, मुद्दे पर नहीं आ रही। आपका आवाज कट रहा है हितेंद्र जी। अवधेश जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ठीक से जी, आवाज कट रहा था जी। अवधेश जी, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि लगातार जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसका समाधान अभी तक क्यों निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा? देखिए, किसान कुछ राजनीतिक जो पार्टी है जी, राजनीतिक प्रायोजित कार्यक्रम के बीच में जी फंस गया चक्कर जी। अदरवाइज किसान के हित में सरकार हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा, कटिबद्ध है, संकल्पित है इसके लिए जी। समाधान से ही जब हम मेडिएशन करेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, इश्यूज डिसाइड करेंगे, तब जाके क्लियर होता है कि इसकी समाधान क्या निकालना है। गवर्नमेंट ने अपना प्रपोजल भेज दिया कि आप बैठिए, बात कीजिए, पॉइंट वाइज बात कीजिए, दिक्कत कहाँ आ रही है उसकी समाधान निकाली जाए जी। कानून के, जहां तक कानून के सवाल है, कानून किसान के हित में है जी। पहले भी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी भी इस बात को कह चुके हैं और आज डिफेंस मिनिस्टर जी भी, हमारे राजनाथ सिंह जी भी इस बात को कहा जी। तो कानून में कहीं खामियां नहीं है, लेकिन अगर किसान को लगता है कि और इसको सुदृढ़ बनाने की है जरूरत है जी, तो उसमें और काम किया जाएगा, बैठ के बात करेंगे कि दिक्कत कहाँ आती है जी। जब दिक्कत आएगी तो उसको सुधार किया जाएगा जी। लेकिन अभी तक उनका कोई भी फीडबैक आया नहीं। गवर्नमेंट ने प्रपोजल भी भेजा कि बैठिए आप हमारे जी, साथ जी। स्क्रैप करना सॉल्यूशन नहीं होता जी। आज 58 साल के अंदर किसान की स्थिति नहीं सुधरने का कारण है कि कोई कानूनन सेप में अंदर नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो या किसी प्रकार की अगर बात हम करते हैं, पंजाब हो या जी, जो बिचौलिए हैं, बिचौलियों की दबदबा अधिक थी। किसान के आज भी अगर जाते हैं आप खेत में जी, तो MSP तो आज भी है डिक्लेयर, लेकिन किसान कितने से देने पे मजबूर है, क्योंकि बिचौलिया उसकी फायदा उठा रहे हैं जी। अगर कानून के सेप के अंदर आते, अगर किसी ने प्रधानमंत्री जी को उस दिन सुना हो जी, तो जरूर प्रधानमंत्री जी ने कहा जी कि सबको MSP है, अगर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी आते हैं तो उससे कम में नहीं खरीद पाएंगे जी। अब कॉन्ट्रैक्ट जब चाहे तब किसान कैंसिल कर सकता है, उनपे कोई पेनल्टी नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाला है तो उसपे पेनल्टी है 150 गुना है जी। जब कानून के हिसाब से देखते हैं तो कानून में कहीं खामी नहीं है। अगर लगता है किसानों के और को मजबूत बनाने की जरूरत है तो अपनी सजेशन पुट फोर्थ करें, सरकार जरूर उसको कंसीडर करेगी उनके हित के लिए। मटरू नागर जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मटरू नागर जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? सर बिल्कुल जी। मटरू नागर जी, मेरा सवाल ये, क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसानों का आंदोलन आगे बढ़ रहा है और आज किसान दिवस भी मनाया जा रहा है, किसानों ने हवन भी वहीं पर किया है जहां वो आंदोलन कर रहे हैं, और ऐसे में सरकार की तरफ से बातचीत का जो निमंत्रण मिला है उस पर अभी तक सहमति क्या किसान संगठनों में नहीं बन पाई, या किसान बातचीत करना नहीं चाहते, कुछ भी अभी तक स्पष्ट किसानों की तरफ से नहीं किया गया? आपके माध्यम से मैं बता दूं इन महोदय को भी जी, ऐसा कभी कहीं कुछ नहीं है। सरकार का न्योता किसानों ने नहीं माना। न्योता एक दावत का नहीं है, न्योता एक किसान की जिंदगी का है जी, किसान के भविष्य का है। ये न्योता इनके वहां दाल रोटी खाने नहीं जा रहे जी। ये
दुखी किसान है देश का, अन्नदाता है जी। इनका वोटर भी है साथ साथ, इनको 60 साल में सत्ता से दूर रहने के बाद अगर यहाँ लाने वाला कोई है तो ये किसान है। आप हमें मंचों पे रैलियों में खड़े होकर समझा रहे, आप हमें अगर इतना ही आपको दिक्कत, अभी कह रहे हैं कि इसमें संशोधन की जरूरत नहीं है, ये मासे भी कह रहे थे, तो फिर इसमें सत्र मांगे के क्यों हटाने के लिए तैयार है अगर ये इतना ही बड़ी हमें नहीं तो। बिल्कुल। और फिर एमएसपी पर ये हमें कानून बना, बार बार समझाते क्यों है, बार बार समझाते क्यों है? हमें कानून बना के दे अवधेश जी, बार बार समझाने की जरूरत क्या है? अगर अगर कोई बात वो सुनाने की कोशिश करते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं जिसकी आप बार बार ये बात कर रहे थे कि अगर किसान कुछ चाहते हैं तो वो सुन करके उसका संशोधन किया जाएगा, जो भी बातें हैं, तो क्यों किसान की बात को नहीं सुना जाता? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि एमएसपी पहले भी थी और आगे भी रहेगी, लेकिन ये कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है कि जो किसान को एमएसपी जो तय किया गया है वो पूरा उसकी जेब में जाएगा। वो कैसे जाएगा या क्या कुछ गारंटी है उसकी, उसके बारे में कोई बात नहीं कही जा रही। देखिए, पहले किसान तो इस पे एडामेंट है कि इस कानून को, तीनों कानून को स्क्रैप किया जाए जी, ठीक है। बात होती है कि अगर गारंटी देने की बात आती है तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जी, अगर जितना एमएसपी गवर्नमेंट तय किया है उससे एक इनकी प्रपोजल हो सकती थी, लेकिन किसी ने इस प्रपोजल पे बात नहीं किया कि जितने भी अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी होता है तो उस एमएसपी के नीचे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं होगा जी। बात ऐसे होनी चाहिए, सकारात्मक बात होनी चाहिए जी, लेकिन किसी ने भी इस बात को अपना सजेशंस नहीं दिया कि हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं और क्या संशोधन चाहते हैं जी। एक ही बात पे अड़े हुए हैं कि इसको स्क्रैप करो, किसान विरोधी है, स्क्रैप करो स्क्रैप करो। किसी कानून को स्क्रैप करना सॉल्यूशन नहीं होता। आज पहले आज गांव में जाएंगे, बटेदारी होती है, बटेरे पे जाते हैं, ये अढ़तिया सिस्टम पे जो गया हुआ है कमीशन का, आज उस कमीशन का खेल है, क्योंकि किसान तो स्वाभाविक है कि अन्नदाता किसान है। इस देश में दो का सम्मान सबसे ऊपर होता है, किसान का और जवान का जी। दोनों के वजह से देश ही नहीं चल रहा, विश्व भी चल रहा है जी। हर एक देश के किसान, हर एक देश अपने देश का हो चाहे किसी भी देश का किसान हो जी, उस देश के लिए अन्नदाता होता है सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। उस देश का जवान भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसकी बाउंड्री सुरक्षित, देश सुरक्षित रहता है जी। तो दोनों सम्मान के हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। कितना सम्मान किसानों का हो रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे और क्या कुछ मांगे हैं किसानों की उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप दोनों मेहमानों से गुजारिश कि मेरे साथ बने रहिएगा, चर्चा इस पर जारी रहेगी। बस करो माल साहब, तुसी रेडी होके फिर शुरू हो गए, थोड़ी भी ना एनर्जी नहीं खत्म होंदी। सासीकाल फुफड़ जी। ओए सासीकाल, ओए 8 बजे दा कह के 11 बजे जाते हो तुसी। ये फुफड़ जी आंखी नहीं खोलदी, थक्या थक्या जा शरीर रहंदा, थोड़े च इस उम्रे भी पूरी फुर्ती है। ओए मेरी फुर्ती दा राज है वैद्यवान दा एक्स प्लस मर्दाना कोर्स, ते पिछले 30 वर्यां तों यही है मेरी सेहत दा राज। इम्यूनिटी बढ़ाउण दे नाल नाल मर्दाना ताकत लई चुस्ती फुर्ती ते जोश वधाउण लई तुसी भी अज ही शुरू करो एक्स प्लस मर्दाना कोर्स। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP News. Hold on.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं किसान आंदोलन पर, क्योंकि आज किसान दिवस भी है और ऐसे में किसानों के आंदोलन को आज 28वां दिन दिल्ली में हो चुका है और ऐसे में जिस तरीके से जो बातें कही जा रही हैं सरकार की तरफ से उसको नकारते हुए नजर आ रहे हैं किसान, और जो किसानों की तरफ से कहा जा रहा है उसको कहीं ना कहीं स्वीकार करते हुए नजर नहीं आ रही है सरकार। तो ऐसे में मेरे साथ चर्चा करने के लिए अवधेश कुमार भारतीय जनता पार्टी से और मटरू नागर जी किसान नेता है मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। मटरू नागर जी, लगातार ये बात कही जा रही है कि किसानों का सम्मान करते हैं लेकिन किसान 28 दिन से बैठा है, अगर इतना सम्मान करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र सरकार है, तो एक बार के लिए इन कानूनों को अब तक वापस ले लिया गया होता। बाद में भले ही चर्चा करने के बाद इन सभी संगठनों से जो आंदोलन कर रहे हैं और जो समर्थन कर रहे हैं उनसे भी इस पूरे मसले पर चर्चा करने के बाद बाद में एक बार फिर से इन कानूनों को लाया जा सकता है। चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे लेकिन अवधेश जी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अवधेश जी, यही सवाल मेरा आपसे है कि अगर लगातार आप सम्मान करने की बात किसानों की कर रहे हैं तो एक बार के लिए इन कानूनों को वापस ले लिया जाना चाहिए था अभी तक। जी, ऐसा है जी, कानून गलत होता तो जरूर वापस ले लिया गया रहता, ठीक है। कानून कोई भी बनाने से पहले हाउस में भी डिस्कशन होता है, कमेटी बनती है, उस कमेटी एग्जामिन करती है, सारा रिपोर्ट आता है। स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट 2006-07 में 5 रिपोर्ट आई थी जी, ठीक है जी। तभी ने आज के डेट में जो शरद पवार जी जिसका विरोध वो कर रहे हैं जी, उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को लिखा था जी, चिट्ठी लिखा था, लेटर लिखकर उन्होंने कहा था कि इसको लागू किया जाए जी, ठीक है जी। अब दिक्कत कहाँ आती है, कुछ एक किसान की जो आ रही है कि MSP पे क्यों नहीं गवर्नमेंट खरीद गई है, जहां तक आप लोग के माध्यम से न्यूज के माध्यम से आया जी। 16,500 लाख करोड़ जो एक रफली फिगर है गवर्नमेंट के पास जो टैक्स कलेक्शन होता है, देश का बजट होता है जी। अगर गवर्नमेंट कंपेल कर दिया जाए कि नहीं खरीदना ही है जितने हैं हमारे पास से MSP पे जी, दिक्कत आती है 17,500 लाख करोड़ रुपया का MSP होता है पूरे हमारी जो फसल आती है जी, ठीक है। सभी चीज को गवर्नमेंट खरीद नहीं सकती, अगर दूसरा देखिए एजुकेशन है, हेल्थ है, डेवलपमेंट का काम करना है, क्योंकि टैक्स के कलेक्शन से ही डेवलपमेंट का काम होता जी। है हमारे देश में 80 लाख टैक्स पेयर है गवर्नमेंट आने के बाद, पहले बहुत कम थे जी। अगर MSP को कंपलसरी कर दिया जाए तो सबसे फाइनेंशियल देखिए एक साल के अंदर देश का स्थिति जो है वर्ल्ड लेवल पे हम जाते हैं तो पूरी तरह से गिर जाएगी, जिसको समझने की जरूरत है इस पॉइंट को, सबसे बड़ा दिक्कत है। आज क्या है कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक तो फ्री है किसान कि किसी से एग्रीमेंट कर सकता है, अगर लगता है कि MSP पे सामने वाला कंपेल नहीं होगा बैरिकेटिंग फ्री हो जाएगा। अदरवाइज अगर मान लेते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर झज्जर डिस्ट्रिक्ट है, चाहे दिल्ली में कोई भी, अगर फरीदाबाद ही ले लेते हैं, इस डिस्ट्रिक्ट का किसान अगर चाहे तो दिल्ली में भी आके बेच सकता है, उसको बैरिकेटिंग फ्री कर दिया जी। कंपेल जो हो रहे थे पहले कि नहीं उसी में बेचना है तो बेचने के लिए मजबूर हो जाता था जी। आज एक कानून के अंदर 2/3 पेमेंट जिस दिन उनको जाता है डिलीवरी होती है किसान को देता है उस वक्त 2/3 तक मैंडेटरी है कि पेमेंट उसको करना है जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्म जो स्पॉन्सर्ड बोलते हैं जी। ये बहुत ही अच्छा कानून है अगर सही से बैठ के अगर चर्चा किया जाए, मुझे लगता है कि अगर राजनीतिक थोड़ी सी हटा दिया जाए, क्योंकि कुछ आप देखे होंगे कि सिंगल टाई ये आए संगठन में जिनके पहले अपने को ऑलरेडी PD स्कैन से बचने की कोशिश कर रहे हैं जी, तो जी, उन्होंने समर्थन में आ गए जी। डॉक्टर नेपाल मेरे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर नेपाल जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी डॉक्टर, से आज किसान दिवस मनाया जा रहा है, आंदोलनकारी किसान वहीं पर हवन कर रहे हैं, चौधरी चरण सिंह जी की जयंती को मना रहे हैं, और ऐसे में किसान आंदोलन जिन मुद्दों पर किया जा रहा है उनको लेकर के लगातार सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार किसी भी बात को अभी तक मानी नहीं, और यही वजह है कि वो अब सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि इन कानूनों को रद्द कर दिया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने सारी बातों को मान लिया है। लेकिन अगर उसकी बात की जाए, क्योंकि किसान नेता अब ये कह रहे हैं कि MSP की गारंटी नहीं दी जा रही है, MSP पर लिखित आश्वासन किस बात का दिया जा रहा है, MSP पहले भी चल रही थी आगे भी चलती रहेगी, सिर्फ ये आश्वासन नहीं चाहिए, MSP जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो बात कही गई है उस आधार पर लागू होना चाहिए और उसकी ये गारंटी होनी चाहिए कि उस पर फसल खरीदी जाए, अगर नहीं खरीदी जाती तो जो खरीद करने वाला है उसको सजा भी मिले। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं सरकार जो है वो चूक कर रही है कि ऐसा कोई भी कानून नहीं तो बनाया जा रहा है और ना ही ऐसा कोई प्रावधान किया जा रहा है।
नहीं देखिए, इसमें मेरी एक बात समझ में नहीं आती है। पंजाब सरकार ने एक अपना स्पेशल सत्र बुलाया और पंजाब विधानसभा में पास किया कि हम इन कानूनों को नहीं मानेंगे। अब इसमें ये बात उठती है, तो उनके पास इस तरह की कोई पावर नहीं है, यदि पावर है तो उन्होंने कानून पास किया, तो फिर ये कानून क्यों नहीं पास कर सकते कि पंजाब में जो व्यक्ति एमएसपी से नीचे उसको फसल को खरीदेगा हम उसको फांसी की सजा देंगे या 20 साल की सजा देंगे, 15 साल की सजा देंगे। ऐसा तो उन्होंने कोई कानून बनाया नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। देखिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी भी व्यक्ति के ऊपर बिना किसी रीजन के कोई नियम नहीं बनाया जाता। ये एक्ट में पहले भी नहीं था, एक्ट में आज भी नहीं है। एमएसपी एक प्रावधान है जो एक समय के अनुसार किया जाता है, हर साल किया जाता है, हर साल की एनालिसिस होती है और एक मूल्य निर्धारित किया जाता है। लेकिन अभी भी मुश्किल से 40% मैक्सिमम एमएसपी पर खरीदा जाता है, बाकी तो अभी भी एमएसपी नहीं खरीदा जा रहा। तो पहले से ये नियम बना चाहिए 100% खरीदा जाए, तो 100% कभी सरकार खरीद ही नहीं पाएगी। तो मेरा ये मानना है कि पूरे इस नियम में, पूरी इस बहस में किसान अपना मुद्दा रोज बदल रहे हैं, और शायद उनके किसानों के जो नेता है वो किसानों के नेता ना होकर वो किसी एक वर्ग के नेता बनते जा रहे हैं और किसानों की समस्या से वो हटते जा रहे हैं। अदरवाइज सरकार ने तो किसानों की जो बात थी वो मानी है जी। अगर सरकार ने बातचीत सभी उनकी मानी है तो फिर ये आंदोलन खत्म क्यों नहीं हो पा रहा है? इस पर मैं बात करनी चाहिए कि ये आंदोलन खत्म क्यों नहीं हो रहा। देखिए इसके हमें इसके निहित स्वार्थ ने अब ये पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है, अब ये किसानों का एजेंडा नहीं रहा, अब ये पॉलिटिकल एजेंडा से भी बल्कि पॉलिटिकल अड़ंगा बन गया है कि हमको अड़ंगा लगाना कि यदि सरकार कल को ये कह देगी कि चलो हम एमएसपी गारंटी भी देते हैं, लिखित भी देते हैं, तो कहेंगे नहीं फिर भी किसान कानून वापस करो। उसका रीजन है क्योंकि जो देखिए पार्लियामेंट डेमोक्रेटिक कंट्री में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट के नियमों को सड़क पर बैठा कर भीड़ में ला कर उसको खत्म कराया जाए। ये प्रक्रिया चाहे वो कितना भी नुकसानदायक बन गया उसकी बहस होनी चाहिए, उसकी चर्चा होनी चाहिए, चर्चा के द्वारा पार्लियामेंट फिर से द्वारा डिस्कशन होना चाहिए। अच्छा के संसद का जो शीतकालीन सत्र नहीं बुलाने का फैसला लिया है सरकार ने, वो इसी वजह से लिया है कि चर्चा से बचना चाहती है। नहीं कह सकते इसको, ऐसा नहीं कह सकते ना, इसमें कोई ऐसी इमरजेंसी आ रही है जी, इसमें ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं आ रही है। हम बहुत दिन से करते आते 40% खरीद पाए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हमें किसान नेताओं को चाहिए था कि इस समय जो सरकार को लिखित आश्वासन दे रही थी उस आश्वासन को लेके वो अपना धरना खत्म करते, वापिस जाते और महीने प्रतीक्षा करते इस बात की सरकार अपना उसको कितनी कार्रवाई में डालती है। यदि कार्रवाई में नहीं डाल पाती तो फिर आंदोलन कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अवधेश जी, जो संसद का शीतकालीन सत्र नहीं बुलाया गया उस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं किसान आंदोलन की तरफ से। किसान नेता जो है वो ये कह रहे हैं कि चर्चा से बचना चाहती है सरकार इन कानूनों पर, और इसीलिए ये सत्र नहीं बुलाया गया है, और जो बाकी जहां पर चुनाव होने हैं वहां पर रैलियां जरूर की जा रही हैं। देखिए हाउस के अंदर जहां तक मेरी जानकारी है जी, ठीक है, हाउस के अंदर अगर कोई भी सरकार चाहता है, विपक्ष भी है, चाहता है किसी बात को चर्चा करना जी, तो अपने रेगुलेशंस के अनुसार जी, हाउस के रेगुलेशंस के अनुसार 10 सांसद अपना दे और बिल ले आए, डिस्कस कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं जी। लेकिन उनका काम तो पॉलिटिकल विल तो डिफरेंट एंगल क्या है, क्योंकि उनको इलेक्शन दिखाई दे रहा है पंजाब के अंदर जी, उनको राजनीति करना है, सभी अपना जमीन बताना चाहते हैं, जमीन अपनी बचाने के चक्कर में सभी एक जमीन जो बिल है और कानून बना हुआ है इसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जी। नहीं तो आप देखे दिल्ली का अरविंद केजरीवाल जी, जी अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पे बिल भी पास कर दिए जी, दिल्ली में हाउस पे पास भी हो गया। अभी एक हमारे मान्यवर से मैं सहमत हूँ, ठीक है जी, कि इसको पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया गया जी। अगर इतना ही था पंजाब सरकार हो, अगर उनको कानून बनाता था तो कंटेंट लिस्ट के अंदर स्टेट सब्जेक्ट है एपीएमसी के सब्जेक्ट के अनुसार अपने ले आते, रूल्स बना देते और इसको लागू कर सकते थे जी। चाहते तो प्रोविजन, अगर पिनल प्रोविजन के अंदर लाना चाहते हैं तो ला सकते थे। लेकिन अवधेश जी आपने चुनावों की बात की है, क्या चुनाव महत्व नहीं रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने, क्योंकि हरियाणा में निकाय चुनाव होने हैं और ऐसे में जिस तरीके से सीएम मनोहर लाल खट्टर के विरोध की जो तस्वीरें सामने आई वो मुझे लगता है अभी तक इस तरीके का विरोध का सामना सीएम मनोहर लाल खट्टर को नहीं करना हुआ होगा। अपने 6 साल का लगभग उनका कार्यकाल हो चुका है मुख्यमंत्री रहते हुए, लेकिन अभी तक मुझे लगता है ये सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन उनके सामने रहा होगा जहां से उन्हें वापस मुड़ना पड़ा है। देखिए आप लोग का भी सकारात्मक भूमिका रही है, किसानों को दोनों पक्ष को आप लोग रखते आ रहे हैं जी,
और शायद किसान भी देख रहे हैं, जो जमीन किसान है कैसे समझा जाए। कल दो संगठन किसान का ही कृषि मंत्री जी से मिलकर उन्होंने अपना ज्ञापन दिया कि हम समर्थन में हैं। ठीक है, अब बात उठता है कि कोई भी किसान आंदोलन शुरू से आप देखे, कनाडा में ये बातें उठ गई, कनाडा में बात उठ गई है, जब इंडिया की बात है किसी भी इंडिया की बात को फार्मर की जो इश्यूज है उसको कनाडा में उठना नहीं चाहिए था, ब्रिटेन में उठना नहीं चाहिए था। एक संगठन डिमांड कर रहा है कि ब्रिटेन को प्रधानमंत्री को वहां चिट्ठी लिखा जा रहा है ब्रिटेन के संसद को कि भाई आप तब तक इंडिया ना आए जब तक यहाँ का किसान को आप आंदोलन को ऐसा कानून वापस नहीं हो जाता। बिल्कुल, तो आप ये देख रहे हैं कि पूरे तरह से ये डिस्टेबलाइज करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि किसान के हित में तो कानून है ही जी, लेकिन जो डाइवर्ट हो गए जिन जो मिसगाइड हो जाएंगे उनके लिए तो ये डिस्टेबलाइज करने की बात हो गई है जी। डॉक्टर नेपाल, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है किसान संगठनों की तरफ से कि इस आंदोलन को राजनीति से प्रेरित ना बताया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आप भी, क्योंकि आप किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं इसलिए आपकी बात को मैं ज़्यादा महत्व देना चाहूँगा कि आप इसको ये कह रहे हैं कि राजनीतिक एजेंडे के तहत अब ये आंदोलन चलाया जा रहा है, तो ऐसे में हालांकि ये जो अब मांग की जा रही है कुछ संगठनों की तरफ से कि बाहर जो भारतीय दूतावास है वहाँ पर प्रदर्शन किया जाए, मैं भी इस बात से सहमत नहीं हूँ, और इस तरीके से जो अब किया जा रहा है उस हिसाब से अब क्या कुछ समझा जाए, क्योंकि किसान अपने मंच से किसी राजनीतिक दल को जगह भी नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में कोई राजनीतिक दल किस तरीके से इस आंदोलन को चला रहा है इस बारे में कोई जानकारी है? शुरुआत में हर व्यक्ति किसी भी आंदोलन से भावनात्मक जुड़ता है, फिर धीरे धीरे जो जनता उसके साथ जुड़ती है उसको अपने नेताओं का एजेंडा क्लियर होने लगता है। अब आम किसानों को ये एजेंडा क्लियर होने लगा है कि इसमें राजनीति ज्यादा है, किसान हित कम है। उसका कारण देखिए, ये पंजाब में जो भी ये मुद्दा उठा, पंजाब में मुद्दा उठाया कांग्रेस पार्टी ने। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, ये मुद्दा उठाया कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में जी। उसकी कारण ये था कि क्या उनको ये था कि मुझे नेक्स्ट पंजाब इलेक्शन में कराची के दंगों के दाग से दूर अलग हट जाऊंगा जी। अब उसके बाद में इस मुद्दे को हाईजेक कर लिया अकाली दल ने, क्योंकि उनके पास भी ड्रग्स का और करप्शन का कहीं ना कहीं दाग लगा हुआ जी। उनके लिए मजबूत मानने की स्थिति थी और उनको ये आंदोलन जीवित रखना ही था जी। मतलब ठीक है, आड़तियों के बीच हो सकते हैं, मंडी वालों के बीच हो सकते हैं, इसमें फाइनेंस भी हो रहा है जी। लेकिन जैसा आपने कहा कि साहब कट्टर साहब को वापिस जाना पड़ा, इतना बड़ा आंदोलन जी। मटरू नागर जी कुछ कह रहे हैं किसान नेता हैं और वो इन तमाम बातों पर सवाल लगातार उठा रहे हैं। मटरू नागर जी, यूपी और हरियाणा में भी बता दो ये कौन से, ये मतलब ये चरस बेचते हैं या ये खालिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये इस देश का किसान नहीं है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बारे में भी दो शब्द बोल दो जी। नेपाल जी, भी लोग बाग जो है बैठे हैं यहाँ पे इंदिरापुरम में, लोग आए हैं 4,000 ट्रैक्टर ट्रोली भर के, मुजफ्फरनगर से भी आए हैं, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ जी जी जी। वो भी लोग आए हैं, वो कहते हैं तो समर्थन में है, रोज कोई ना कोई लोग जो है सरकार से मिल रहे हैं, वो भी कह रहे हैं समर्थन। नहीं, मैं वही तो कह रहा, सभी किसान है। एक महीने से किसान रोड पे कड़कड़ाती ठंड में पड़ा है, अभी भी आपको कुछ लोग लग रहे हैं? नहीं, हमें कोई लोग नहीं लगते ना, हम कोई पार्टी के हैं, हम तो अपना विशेषण दे रहे हैं। मटरू जी, आप इससे अब तक नाराज मत होइए, लेकिन आप इसे ध्यान रखिए कि किसानों के हित में ये बात थी कि किसानों की जो बातें सरकार ने अभी मान दी थी उसको मानते हुए उनको जी। मटरू जी स्पष्ट कर दीजिए कौन सी बात किस तरीके से मानी गई है, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि क्यों किसान आंदोलन पर लगातार जारी है अगर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो किसानों की बातें थी वो मान ली गई। मटरू जी, सर जी, एक भी बातें नहीं मानी, 6 दौर की बातें हो गई है इनसे, 6 दौर में इन्होंने किसान का पक्ष एक बार भी नहीं सुना। ये मीडिया को मध्यस्थ क्यों नहीं करते, ये मीडिया का माध्यम क्यों नहीं बनाते? अवधेश जी, ये अपनी बात अपने तरीका से ही क्यों रखते हैं? अवधेश जी, अपनी बात अपने तरीके से रखने का आरोप सरकार पर, और लगातार यही आरोप किसान लगाते रहे। महोदय जी, 17 बिंदुओं पर बात होती है और 12 बिंदु स्वेते मान लेते हैं, ये अब ये इस बिल से बाहर किए जाएंगे। और अभी महाशय जी कह रहे थे कि इस बिल में संशोधन की कोई गुंजाइश ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। अवधेश जी जी जी, जवाब दीजिए। अब हमारे बंधु जो है काफी रोष में है, मैं चाहता हूं कि पहले एकदम
हंसते हुए मुस्कुराते हुए पहले सुन ले। सर वो मुस्कुरा नहीं सकते, वो 28 दिन से 28 दिन से कड़कड़ाती ठंड में वो वहां पर डटे हुए हैं, उनके हंसने की बात ही नहीं होती। अवधेश जी 30 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, आप हंसने की बात कर रहे हैं, कैसे हंसे कैसे मुस्कुराए? 30 किसान मैं इसी बात की बात करना चाहता हूँ। जो हमारे बंधु इस बात को लेके, हम भी किसान हैं, ऐसा नहीं है कि कोई किसान इस देश में 73% किसान है। जी मैं पहले अपने मानने वाले पूछना चाहता हूँ एक बात, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, किसान दूसरे किसान को समझा रहा है, एक किसान दूसरे में एक एक बात एक बात मेरी सुन लिया जाए एक बात के सुन लिया किसान है तो आइए आइए रोड पर। आप एक सेकेंड आप मेरी बात जी, मटरू जी सुन लीजिए कोठियों में क्यों लौट रहे हो? पहले आप सुन लीजिए उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ। मटरू जी एक बार सुन लीजिए, वैसे सरकार सुनाती ही है, सुनती कम है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। 6 दिसंबर को जी जब फिक्स हो गया था कि 9 दिसंबर को हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा था जी कि हम डिस्कशन फर्दर करेंगे जी, तो 8 दिसंबर को पूरे देश में भारत बंद का नारा जितने भी विपक्षी पार्टी है उन लोगों ने दिया जी, ठीक है, आगजनी भी किया जो करना नहीं चाहिए था, हाईली जो है इसको कंडेम करना चाहिए था, किसानों के द्वारा भी कम करना चाहिए था। सर, जो किसान बैठे हैं, एक मिनट मुझे कर लेने दीजिए मंटू जी, एक मिनट एक बार कह लेने दीजिए मंटू जी कहले जी। आज आप पहले तो भारत बंद नहीं था, वो भारत समर्थन था, किसान ने पूरे देश से अपने लिए समर्थन मांगा था, भारत बंद नहीं था, और कहीं कोई किसी प्रकार की अप्रिय घटना हुई हो किसानों के माध्यम से, मुझे फिनिश करने दीजिए। मटरू जी सुन लीजिए जी, कही आप 9 तारीख की जो इशूज आई जी, इस इशूज को जब हम देखते हैं कि पूरी तरह से अप्रिय घटना का अंजाम दिया गया विपक्षियों के द्वारा, अगर ऐसा था जब 9 तारीख का सिचुएशन था तो 8 तारीख को बंद करने की जरूरत क्या थी? अगर सकारात्मक पहल ना था तो अगर अवधेश जी अगर ऐसी ही बात है सकारात्मक पहल की बात है, एक मिनट हितेंद्र जी एक मिनट जी, आज अमरिंदर सिंह जी ठीक है जिस बात को पंजाब सरकार की बात करें वहीं से मूवमेंट शुरू हुआ, किसी राजनीतिक दल की बात, किसी राजनीतिक दल के नेता की बात किसान नेताओं की तरफ से भी नहीं की जा रही अवधेश जी, और मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात से सहमत हूँ, लेकिन जी राजनीति नहीं करने दिया जाए इस बात के आश्वासन जी, राजनीति करने नहीं दे रहे किसान, अगर कोई बाहर अपने कार्यालय से कोई बयान कर रहा है, कोई कुछ और काम कर रहा है तो उसको नहीं रोका जा सकता, उसका सबका अपना अपना लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन अवधेश जी अगर आप सकारात्मक बात की बात कर रहे हैं तो फिर किसान चौपाल बीजेपी की तरफ से क्यों लगाई जा रही है? उन किसानों के बीच में लगा लीजिए चौपाल जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको समझा लीजिए जाकर। ऐसा होता है कि जब आपने 13 लीडर आपने चुन लिया है कि हम आगे तरफ से यही बात करेंगे चर्चा करेंगे जी, तो जहां जहां मूवमेंट होगा जहां जहां उनके समर्थन में आ रहे सब जगह जाके नहीं किया जा सकता, आप ही नहीं सुनी जाएगी अवधेश जी, हमारी भी सुन लो जी, कोई लीडर तय नहीं हुआ है, मैं आपके चैनल के माध्यम से, यानी कि जो आज बैठे हुए हैं हमारे स्पीकर साहब वो आपके लीडर नहीं है, मैं कल 3 बजे इसी माध्यम से कि वो आपके लीडर नहीं है, आपको उनको विश्वास नहीं है तो आके आप अपनी बात करने आ रहे हैं तो आपके रिप्रेजेंटेटिव नहीं, आप बोल दीजिए थोड़ा आदमी आपको रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, अगर वो राजनीति को चमका रहे हैं तो आप ही का विश्वास उनपे नहीं है। मटरू जी क्या यह वजह है कि आपने अपना कोई नेतृत्व तय नहीं किया है, कोई भी आपके प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहा है सही तरीके से, इसीलिए अभी तक इस मसले का समाधान नहीं निकला? बहुत मजबूती से प्रतिनिधित्व हमारा बहुत एकता के साथ हुए हैं बिल्कुल, और हम इन सरकार से बार बार यही बात कह रहे हैं, आप क्यों आप किसी को मौका ही क्यों दे रहे हैं? आप MSP पे तय करिए, दंडनीय अपराध बनाइए, कानून बनाइए, और जो संशोधन की चीज है उन्हें संशोधन करके जय श्री राम जी। किसके हैं एक बार आप पूछ लीजिए भाई, सिस्टम आपके हाथ में, सरकार आपके हाथ में, आप रैलियां आप मंच लगा के तो निकल चुके हो, चौपाले लगा रहे हो गांव में, अपने गेट के बाहर बैठा हुआ किसान नहीं दिख रहा आपको, 30 किसानों का अपने प्राणों ले लिए, आपको घर के बाहर नहीं दिख रहे किसान, आप अपनी चौपालों में 1 करोड़ रुपए के मंच लगा रहे हो और वहां अपनी 5 साल की पूरी कहानी बता रहे हो, हमारी तो आपसे सीधी बात है MSP पे आ जाओ आप, अवधेश जी आप ही घोषणा कर दीजिए MSP कह देता कानून पास कर देता,
छत्तीसगढ़ पास कर सकता था, जिसमें किसान को वो कर्ज माफी के नाम पे सरकार में आया, आज भी वो अगर वो कर देता तो यहाँ नहीं होते। अगर इस तरीके से दूसरे पर ठोकते रहेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी से शायद उम्मीद थी और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में पूर्ण बहुमत के साथ है। डॉक्टर नेपाल, जिस तरीके से आपने अभी बातचीत सुनी होगी, कौन सा पक्ष आपको यहाँ पर मजबूत नजर आता है और कौन सा पक्ष यहाँ पर बोल बोल करता हुआ नजर आ रहा है? डॉक्टर नेपाल, प्लीज मटरू जी, अवधेश जी सुन लीजिए, राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर नेपाल, उनकी बात सुन लीजिए। जी नेपाल जी, मटरू जी, मुझसे मैं सहमत हूँ, किसानों में असंतोष है, मैं इससे सहमत हूँ जी, किसानों की समस्या का समाधान होना चाहिए, मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है वो ये आ रही है कि इस पूरे पीरियड में कहीं ना कहीं हम ये एक इम्प्रेशन दे पाए हैं कि किसान के किस संगठन से बात की जाए। किसान के वही संगठन जो यहाँ धरना कर रहे हैं वही संगठन है, या किसान जो इतना काम कर रहा है वो भी किसान है जी। तो जब किसानों के संगठन से कोई सहमति बन के कोई एजेंडा नहीं आया, पहले उनकी बात मानते चले गए लाखों में आपको तो पूरा बिल ही वापिस करना चाहिए, सब हम बात ही नहीं करेंगे। तो यहाँ जब ये निर्णय लिया किसान पंचायत ने, यहाँ पर जो दिल्ली में बैठी है, जब ये उसने निर्णय लिया कि हम इससे अलग कोई बात नहीं करें जब तक ये बिल वापिस नहीं होंगे, तो बात टूट गई जी। मेरे हिसाब से बात चलती रहनी चाहिए थी, अपनी बात कह देना चाहिए था, और जो बातें मानी जा रही है उसको कम से कम लिखित में लीजिए आप पहले। लेकिन डॉक्टर नेपाल जी, यही तो समस्या है कि ये जरूर लिखित में आश्वासन दिया गया, कृषि मंत्री की तरफ से भी पत्र लिखा गया है, लेकिन जो किसान कह रहे हैं कि उन्हें जिस तरीके की गारंटी चाहिए थी MSP पर, वो नहीं मिल पा रही है। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट की बार बार केंद्र सरकार की तरफ से बात की जाती है, वो केंद्र सरकार ही है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को भी पूरी तरह से लागू 6 साल में भी नहीं कर पाई। नहीं, ये तो सही बात है जी, लेकिन स्वामीनाथन की रिपोर्ट में ही ये सबसे पहले प्रावधान है जी कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए नए एवेन्यू खोलने पड़ेंगे, सरकारी उस पर निर्भरता पर किसान की आमदनी कभी नहीं बढ़ सकेगी जी। तो यदि हम उसके लिए सरकार ने एक प्रावधान किया है और बाकी समाधान को भी तैयार, वो प्रेजेंट सिचुएशन में तो कोई चेंज नहीं आया ना अभी तक जी। मटरू जी, क्या किसानों को सिर्फ डर है, या फिर किसानों ने पूरी सोच समझ करके और इन कानूनों को अच्छे तरीके से पढ़ करके, या फिर जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय लेकर के इस तरीके का आंदोलन चलाया जा रहा है? मटरू जी, बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं सर जी, जो कार्यकारिणी है, पहले जैसे डॉक्टर साहब कह रहे प्रतिनिधिमंडल तय नहीं है, सर मैं आपको अवगत करा दूं, पहले 138 किसानों के संगठनों की लिस्ट थी, फिर बाद में वो 13 संगठनों की लिस्ट बना दी गई जी, और वो 13 सदस्य कमेटी ही निर्णय करती है जी। जो सरकार ने निमंत्रण दिया है उसको बिल्कुल बाकायदा इज्जत के साथ जी, ये हर घंटे अपना विश्वास खोती जा रही है सरकार जी। अब इनकी किसी बात पर, अब ये कहते हैं सुनिए, कह दिया, कर रहे हैं, कुछ करके दिखाओ, कुछ दिखाओ, कुछ सकारात्मक रवैया अपनाओ, और कम से कम एक दो बिंदु तो ये जी। मटरू जी, क्यों भरोसा सरकार पर नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? नहीं सर, मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, कैसे भरोसा कर? 28 दिन हो गए कड़ाती सर्द जी, पूरी सर्द रातों में रोड पे पड़े हैं, खालिस्तान, मतलब आरोप पे आरोप किसान पे लगा रहे हैं ये जी, और किसान हितैषी सरकार बता रहे हैं, आप कैसे विश्वास कर ले? मैं आपके माध्यम से इनसे यही आग्रह कर रहा हूँ, ये MSP तय करके, बिल्कुल अवधेश जी, जरूरत नहीं है देश के अलग अलग हिस्सों में जाने की, जरूरत नहीं है किसान चौपाल लगाने की। जो किसान आपके द्वार पर खड़ा है, जो 13 सदस्यों की जो कमेटी बनी है, वो साफ तौर पर इसीलिए बनाई गई है ताकि मसले का समाधान जल्दी निकल सके, और ऐसे में उन 13 किसानों को आप ये कानून, 3 कानून जिनको आप किसान हितैषी बता रहे हैं, वो नहीं समझा पा रहे हैं। आखिरकार क्या वजह है, कहां कमी रह गई है? क्या वो 13 किसान नहीं है, या वो किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे? क्या उनका भी किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध है? नहीं, बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं कि वो किसान है, मैं मानता हूं किसान है जी, लेकिन कभी भी प्रिजिडाइज होके कोई काम नहीं करना चाहिए। बायलेटरल टॉक करने के लिए जी, जब दोनों तरफ से टॉक करने के लिए दरवाजा को खोल के रखना चाहिए कि समाधान कैसे निकलेगा जी। ठीक है, किसान आंदोलन ठीक है, 13 आदमी की कमेटी बन गई, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अपनी प्रपोजल दे रही है कि आइए बैठिए, बात कीजिए हमारे साथ। अवधेश जी, उन्होंने लिखित भी प्रपोजल दिया, जो कल निमंत्रण मिला है, शायद आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है। एक मिनट, कृषि मंत्री जी ने लेटर दिया जी 8 पेज का, की इसको देखिए आप, अगर कुछ लगता है अपना प्रपोजल तो भेजिए। आप जब स्क्रैप करने पर आप एडामेंट हैं,
तो कोई भी कानून ऐसे स्क्रैप नहीं होता रोड पर धरने पे, उसके लिए कानून बना हुआ है, कोर्ट बना हुआ है। कोर्ट को अगर है इतना तो कोर्ट में भी जा सकते थे, लेकिन रोड पे आके कोई चीज की समाधान नहीं होता जब ऑलरेडी मटरू जी, मटरू जी अगर आप सर, जी जी मटरू जी, जिस तरीके से आप ये लगातार विरोध कर रहे हैं कि इन कानूनों को रद्द ही किया जाना चाहिए, एक बार पूरी तरीके से वो कमेटी जो इन कानूनों में खामियां हैं और पूरी तरह से क्यों ये कहा जा रहा है कि इन कानूनों को रद्द कर दीजिए, उसके बारे में भी एक बार स्पष्टीकरण कर दीजिए। सर पहले तो मैं ये बता दूं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, किसानों ने एकदम शोरी मचा दिया तीनों कानून वापसी ले लो जी, बिंदुवार बात हुई है, 85% तीनों बिलों का विश्लेषण किया गया है, दोनों इन हमारे किसान कमेटी भी साथ में थी, कृषि मंत्री जी थे, पीयूष गोयल जी थे जी, और उसमें सबसे पहले किसानों की तरफ से मध्यस्थता मीडिया को लिया गया था कि मीडिया के सामने बात होनी चाहिए जी, दूध का दूध पानी का सरकार की नीयत और किसानों की नीयत दोनों में पता चल जाएगा कौन क्या चाह रहा है जी। 17 बिंदुओं पर छठे दौर की बात तक बात हुई, गृह मंत्री जी जिस दिन बुलाते उससे एक दिन पहले वाली वार्ता तक जी, 17 बिंदु जो मेन बिंदु थे उनमें कृषि मंत्री जी ने स्वयं स्वतः अपने संज्ञान लेते हुए कहा कि इसमें से 12 बिंदु हटा दिए जाएंगे जी। अगले दिन गृह मंत्री जी से वार्ता होती है जी, गृह मंत्री जी से जब प्रतिनिधि मंडल ने बोला कि जी जहां कल कृषि मंत्री जी से यहां तक बात हो गई थी आज बात यहां से आगे करेंगे जी, कृषि मंत्री जी ने कहा कि नहीं नहीं सुनिए, इसमें ये तो बिल है जी, ये संशोधन पत्र है जी, अब आप एग्री करिए कि ये संशोधन करेक्शन करके हमने ये लिया है, आप इस पे हमें अपनी राय दीजिए जी। उसमें प्रतिनिधि मंडल ने बोला सर अगर आपको स्वेते ही अपना करेक्शन करना था तो फिर हम क्यों बुलाए जी। बिल्कुल डॉक्टर नेपाल, जिस तरीके का ये आरोप किसानों की तरफ से लगाया जा रहा है कि अपनी बात डॉक्टर साहब ये खुद ही सुनाने की कोशिश कर रही है सरकार, यहाँ पर सुनने की कोशिश नहीं कर रही, और इन्होंने उसकी कॉपी प्रतिनिधिमंडल जी सुन लीजिए मटरू जी, डॉक्टर नेपाल मानना है जी अब इसका बहुत समाधान निकलेगा जी, सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है जी, सुप्रीम कोर्ट इनको डायरेक्शन दे देगा कि इस पर एक कमेटी बनाई जाए जो किसान की बात सुनेगी और सरकार की बात सुनेगी जी, क्योंकि कोई भी सुप्रीम कोर्ट किसी भी सरकार को आदेश नहीं देता कि वो अपने बनाए गए कानून को तुरंत वापिस ले, लेकिन डॉक्टर नेपाल कानून बनाने की ताकत सरकार के पास है, पार्लियामेंट के पास है जी, अब उसमें किसान प्रतिनिधि में अब बहुत सारे किसान प्रतिनिधि और भी जुड़ जाएंगे जी, क्योंकि वो अलग तरीके से किसान प्रतिनिधि अलग अलग रूप में आ रहे हैं। नहीं 13 की जो कमेटी जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी कमेटी निश्चित हो चुकी है, वो किसान ही बातचीत के लिए बार बार जा रहे हैं जो किसान नेता चुने गए। डॉक्टर साहब 4,000 किसान जो है हमारे मुजफ्फरनगर चल के मेरठ से चल के इंदिरापुरम तक आए, वो भी अपना किसान बता रहे हैं जी, वो भी वो लगातार ये कहा जा रहा है कि वो भी बातचीत करेंगे उनके साथ भी, और इस बारे में भी कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से जो रवैया अपनाया जा रहा है वो ठीक नहीं है, और कोर्ट में भी डॉक्टर नेपाल आपने जो कोर्ट ने स्टेटमेंट दी है उसमें ये भी कहा गया कि एक बार के लिए इनको स्थगित किया जाना चाहिए, इस पर विचार करे एक बार सरकार। नहीं कोर्ट ने सिर्फ पूछा ऐसा कि क्या इनको स्थगित किया जा सकता है जी, मान्य दिए क्या नहीं स्थगित किया जा सकता, तो लेकिन सरकार की तरफ से जो रवैया अपनाया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं अब जो किसान जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि सरकार अपनी ही बात खुद ही संशोधन करके अब फिर से थोपना चाहती है, तो ऐसे समाधान निकलने वाला नहीं है, इसीलिए किसानों की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि इन तीनों कानूनों को एक बार के लिए रद्द किया जाए और फिर से चर्चा की जाए, बाद में इस तरीके के जो कानून हैं वो लाए जाएं। लेकिन जिस तरीके से लगातार 28 दिन हो चुके हैं, आज किसान दिवस भी देश में मनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक इन पर कोई समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और इसी तरीके से आगे भी अभी बातचीत पर जो है मंथन किया जा रहा है किसान नेताओं में कि कब बातचीत सरकार से की जानी चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही, आप बने रहिए ANB News के साथ।